मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं टेलिंग ट्यूबर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कैसे हम विंडोज 10 का अपडेटिंग को बंद करेंगे, यानी कि जो ऑटोमेटिक अपडेट होता है इसको हम लोग कैसे स्टॉप करेंगे। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे हम सेटिंग में जाएंगे तो यहां पे मेरा विंडोज अपडेट और सिक्योरिटी के ऊपर है। ये टुडे आज जो कि 12:52 पे अपडेट हो चुका, आप देख सकते हैं यहां पे मेरा अपडेट कंप्लीट है। और ये अपडेट के चलते सिस्टम स्लो, अपडेट को ब्लॉक करेंगे। पहला है सर्विसेज, जीपी एडिट और रजिस्ट्री एडिट, ये तीन होने के बाद चौथा है टास्क शेड्यूलर। ये ज़रूरत उतना नहीं है, लेकिन हमें तीन चीज़ को पहले करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने सर्च के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे टाइप करना है सर्विस। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे सर्विस आ चुका है। यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे हम लोगों का सर्विसेस खुलेगा हमें यहाँ पे W के ऊपर प्रेस करना है। जैसे हम W प्रेस करेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा विंडोज अपडेट, यहाँ पे एनेबल है और यहाँ से ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है। तो डबल क्लिक करते हुए ओपन करना है। मैनुअल के जगह इसको हम डिजेबल करेंगे और यहाँ पे रनिंग में स्टेटस को स्टॉप करेंगे। इसके बाद हमें रिकवरी में जाना है और रन एज प्रोग्राम के बदले में हम यहाँ पे देंगे टेक नो एक्शन। और यहाँ पे डेज दिया हुआ है, हम यहाँ पे 999 या 4x9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे अप्लाई ओके। ये मेरा डिजेबल हो चुका है। अगर ये एनेबल कभी भी होगा तो 9999 डेज के बाद ही ऑटोमेटिक होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे जीपी एडिट, सेम इसी तरह का। हम यहाँ पे सर्च में जाएंगे gpedit.msc ग्रुप पॉलिसी एडिट, यहाँ पे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको तो मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि ड्रॉप डाउन करेंगे। इसके बाद विंडोज कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो नीचे आएगा विंडोज अपडेट। हम नीचे करते हुए विंडोज अपडेट पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज अपडेट। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, हम लोगों को राइट साइड में जो विंडोज बार खुलेगा, यानी कि राइट साइड में जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें हमें देखना है कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट। सी के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे आप यहां पे देख सकते हैं कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट और यहां पे नो कॉन्फ़िगर है। इसको डबल क्लिक करते हुए ओपन करना है। यहां पे हमें डिजेबल करेंगे, अप्लाई और ओके। यहां पे आप देख सकते हैं डिजेबल हो चुका है, यानी कि हम लोगों का दूसरा तरीका हो चुका है। तो तीसरा तरीका में जाएंगे रजिस्ट्री एडिट, सर्च में जाएंगे रजिस्ट्री एडिट, इसको भी हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ही क्लिक करना है। अगर ऑप्शन आता है तो यस करना है। ये हम बड़ा करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे एच की लोकल मशीन, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे। इसके बाद हमें सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर नीचे आना है पॉलिसी, इसके बाद आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग ड्रॉप डाउन करने से पहले उसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे, न्यू की, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे विंडोज अपडेट, W बड़ा रहेगा, अपडेट U बड़ा रहेगा, एंटर करना है। इसके ऊपर फिर से हमें राइट क्लिक करते हुए फिर और एक न्यू जाना है, न्यू की, और यहाँ पे लिखेंगे AU, ऑटो अपडेट। AU जैसे ही आएंगे उसी का ही राइट साइड में हमें कहीं पर भी क्लिक करना है और न्यू में क्लिक करते हुए DWORD 32-bit वैल्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमें टाइप करना है नो ऑटो अपडेट, N बड़ा रहेगा, ऑटो A कैपिटल और अपडेट, एंटर करेंगे। फिर से और एक बार इसको सिलेक्ट करते हुए एंटर करेंगे और यहाँ पे वैल्यू में हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे और ओके करेंगे, यानी कि मेरा जो अपडेट का था फुल्ली अभी डिजेबल हो चुका है। चाह के भी हम लोग इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। मैं सेटिंग में जा रहा हूँ अपडेट और सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद। यहाँ पे अगर हम चेक अपडेट पे जाएंगे, चेक करेगा लेकिन उसको कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोग अंदर से बंद कर चुके हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है एरर एनकाउंटर्ड, तो इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे। तीसरा हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, चौथा हो गया टास्क शेड्यूलर। सर्च में जाएंगे टास्क शेड्यूलर, जैसे ही आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे टास्क शेड्यूल के ऊपर क्लिक करते हुए ड्रॉप डाउन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे विंडोज में जाएंगे। विंडोज में सबसे नीचे हम लोगों को आ जाएगा विंडोज अपडेट,
विंडोज़ अपडेट के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का अपडेट पॉलिसी जो है शेड्यूल टास्क में शेड्यूल स्टार्ट है, इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिजेबल करेंगे। ये हो गया मेरा, अभी डिजेबल परमानेंट और ऑटोमेटिक होगा नहीं। इसके बाद हम लोगों को देखना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे विंडोज़ का कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर रनिंग तो नहीं है। विंडोज़ अपडेट हेल्थ टूल्स ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली चेंज करेगा और ये अपडेट लेना शुरू कर देगा, तो हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। अब ये क्लोज हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।